नमस्कार, हेलो, हाय, राम राम और सलाम। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट साधना बत्रा, और आज की हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे ऐसी धमाकेदार फिल्म की जिसने रिलीज होते ही सिनेमा घरों में धमाल मचा दिया है। और इस फिल्म का नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि JNU। भारत की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, यहां के कुछ होनहार शिक्षक और छात्र अपने क्लासरूम में कम, समाचारों की सुर्खियों में ज्यादा पाए जाते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन, एंटी नेशनल स्टूडेंट्स कंडक्टिंग प्रोटेस्ट। क्या ये कैंपस राष्ट्र विरोधियों का गढ़ है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। सुनो बे, आज हमारी संस्कृति और हमारी अखंडता पे उंगली उठ रही है। ये लेफ्ट वालों का जो देश विरोधी एजेंडा है ना, ना कैंपस में बर्दाश्त किया जाएगा ना देश में। जय श्री राम। फिल्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के पोस्टर रिलीज के बाद से ही ये फिल्म चर्चाओं में रही है। इस फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी। बात करें इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर की, तो इनके रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म को लेकर काफी विवाद होने लगे हैं। इस फिल्म के डायलॉग पर भी जमकर विवाद हुआ। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं फिल्म का ट्रेलर। हमारा नाम कृष्णा कुमार है और हम न्यू में आपकी आंख खोलने का काम करते हैं। हम क्या चाहेंगे? इस झूठ को सच की तराजू में तोलेगा कौन? हम भी अगर नहीं बोले तो साला बोलेगा कौन? जय श्री राम। ये क्लास रिजर्वेशन कोटा के स्टूडेंट्स के लिए है, जनरल कोटा इज नॉट अलाउड। ये लेफ्ट यूनिटी वालों ने पूरे के पूरे क्योंकि कैंपस को प्रांतवाद जात पात में बांट दिया है। बड़े न्यू यहाँ स्टूडेंट्स वो ही करते हैं जिसमें हमारी खुशी होती है। कि गोधड़ा वाले PM बनने का सपना पाले बैठे हैं और हम अपने देश में ये नहीं होने देंगे। महिषासुर हमारे देवता है, देवता किसी उच्च जात की देवी ने धोखे से वध कर दिया है। कौन है, क्या है? हम सलाब रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अब बोलेंगे भी और लड़ेंगे भी। और जिस दिन कैंपस के लड़कों में राष्ट्र भावना जाग गई, ये कैंपस से लाल का सफाया हो गया। NU देश की बात करता है जो तुम जैसे नहीं समझते। कैंपस में पुलिस अलाउड नहीं है। पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी डीन की, मतलब पाकिस्तान है क्या? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, खरोच तक आई ना पूरी सरकार हिला देंगे। जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम किसी को नहीं रोक सकते। गांधी जी बन जाए और सब कुछ सहन करते रहे। 12 घंटे का टाइम देते तुमको, इसको सस्पेंड कर दो नहीं तो साला कैंपस में आग लगा देंगे। राम का प्रदेश है, मानो या ना मानो। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो किसी न किसी को हथियार उठाना पड़ता है। तीस साल मेहनत करने के बाद भी ना लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ हम 3 साल में पहुँच गए। यहाँ से निकलने के बाद रास्ता सीधा संसद तक। नई विचारधारा के साथ आई JNU फिल्म को प्रतिमा दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि JNU फिल्म में दो पहलू को दिखाने की कोशिश की गई है, एक वो जो सबको दिखता है और दूसरा वो जो सच होता है और किसी को नहीं दिखता है। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, इट इज ऑल अबाउट कॉलेज के कैंपस में किस तरीके से पॉलिटिक्स चलते हैं, पॉलिटिक्स के साथ साथ तमाम दूसरी चीज़ें जो चलते हैं उसके बारे में इस फिल्म में, उसके बारे में इस फिल्म में हमने बताया है। और बहुत से मुद्दे, जैसा कि आपने अभी प्रीमियर में भी देखा होगा, किस तरीके से उसको कवर किया गया है। और जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी के दोनों पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है, दो पहलू, एक वो जो सच होता है जो सबके सामने होता है और दूसरा वो जो सच होता है जो किसी को मालूम होता नहीं है। तो आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन से सच की इस पिक्चर में बात की गई है, जो शायद आप से छुपा हो, आपको पता नहीं हो, और ये देखने के बाद आपको वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी हमारी फिल्म आई है. सो बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड एक फिल्म है और राइट और लेफ्ट ये जो आइडियोलॉजीज है इसके बीच में जो एक वॉर है आइडियोलॉजिकल ये रिप्रेजेंट करती है. तो फिल्म का पोस्टर या ट्रेलर देख के आपको लग सकता है बहुत सीरियस फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऑफकोर्स कुछ सीरियस मुद्दों पे इस फिल्म में बात की है, लेकिन ये कॉलेज के ऊपर है. कॉलेज में दोस्ती होती है, प्यार होता है, मस्ती होती है. सो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारी एक फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई है. लेट्स होप ऑडियंस को पसंद आए. जी हम तो डायरेक्टर जो सर हैं का वेट कर रहे हैं, बट मैं बस ये बोलना चाहूँगी आई एम वेरी हैप्पी विद माई को एक्टर्स. He did amazingly well. बहुत ही अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा काम किया. आई एम द कन्हैया एज वेल, इतना शानदार काम किया है. बाकी और सभी एक्टर्स ने सब बहुत ही अच्छा काम किया. आई थिंक जब आपके सामने एक्टर्स इतने अच्छे होते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी अपने आप उठ के आता है. एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स वर रियली इनक्रेडिबल. आर डायरेक्टर वॉज रियली गुड. एंड कुडोज टू आर फीमेल प्रोड्यूसर प्रतिमा जी. I mean, you know, hats off to her, the way how she, you know, conducted the entire shoot, and there was no, everything went on really smooth, but close to her and more, you know, we need more such female producers. जैसा कि सौरभ सर और मैम ने तो बता दिया है, ये एक्चुअली दो आइडियोलॉजी के बीच में स्टोरी है, राइट एंड लेफ्ट. लेफ्ट के लिए लेफ्ट सही, राइट के लिए राइट सही. लेकिन आप लोग मूवी देखे, आप लोग भी समझे होंगे चीज़ों को. तो बेसिकली जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, तो राइट की तरफ से सौरभ सर, मैम, थैंक्स टू प्रतिमा मैम, विनय सर. तो स्टोरी घूमती है आइडियोलॉजी के बीच में. लेफ्ट को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जैसे इनकी सोच है, शायद वो सही है, लेकिन एक मायने में शायद वो सही नहीं है. तो राइट जब आता है उनके अगेंस्ट में है, राइट उनको दबाता भी, जैसे आप फिल्म में देखे हैं. तो ये पूरी की पूरी स्टोरी दो आइडियोलॉजी के बीच में घूमती है, राइट एंड लेफ्ट. तो राइट की तरफ से सर एंड लेफ्ट की तरफ से हमने इसका नेतृत्व. जिला गाजियाबाद फिल्म के निर्देशक विनय शर्मा ने जेएनयू फिल्म को डायरेक्ट किया है. अब आपको बताते हैं कि जेएनयू फिल्म को लेकर डायरेक्टर विनय शर्मा के विचार क्या हैं? जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी मूवी जब से रिलीज हुई तब से पूरा बस क्रिएट हो गया है पूरे देश भर में. इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है. हरियाणा न्यूज़ पेपर स्वागत है. ये जो मूवी आपने डायरेक्ट किया है, क्या सोच रही है इस मूवी पे, क्या स्टोरी है, क्या दर्शकों को देखने को मिलेगा? दर्शकों को 2.5 घंटा एंटरटेनमेंट मिलेगा और साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो शायद पब्लिक के दिमाग से मतलब दूर हो चुकी थी या भूल चुके थे, तो वो याद दिलाना बहुत ज़रूरी था उनको और वो याद आना भी चाहिए. तो फिल्म इसलिए देखना चाहिए क्योंकि देश की फिल्म है और साथ में एंटरटेनमेंट है, गाने हैं, कॉमेडी है और सब कुछ है फिल्म के अंदर. आपने जिक्र किया कि ये मूवी देखनी चाहिए, देश की मूवी है, मगर इस मूवी की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ, पोस्टर रिलीज हुए, इसे प्रोपेगेंडा मूवी कहा जा रहा है, मोटिवेटर है, इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है, किस तरीके से देखते हैं उसे? देखिए, मैं कितना भी बोल लूंगा, जिन्होंने प्रोपेगेंडा मूवी बोलनी है वो प्रोपेगेंडा मूवी बोलेंगे, तो उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता. तो और मेरे को फिल्म बनाना था, मैंने फिल्म बनाया और कोई मेरे पे एलिगेशन लगाता है कि ये इंसिडेंट या ये इंसिडेंट, तो मेरी फिल्म के अंदर जितने इंसिडेंट है आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं. मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर कुछ मैंने दिखाया वो दिखाया. बस ये है कि मैंने उन सब चीज़ों को दिखाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उन्हें दिखाने की हिम्मत आज से पहले किसी में थी नहीं. आप जेएनयू दिखाते हैं, जेएनयू को मतलब मुझे नहीं पता वो कौन सा जेएनयू दिखाते हैं. तो असली जेएनयू देखना है तो ये फिल्म है, दैट्स इट. सवाल भी उठ रहे हैं कि जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी को जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कहा जा रहा है कि रिजेम्बलेंस है, कितनी सच्चाई इसमें है? रिजेम्बलेंस नहीं है, सच्चाई है, फिल्म जेएनयू ही है. मेरे को सेंसर बोर्ड से शिकायत भी है और मैं दुखी भी हूँ ऑनेस्टली कि इस फिल्म को 2 महीने तक रोका गया. मतलब कोई वजह नहीं थी, जेएनयू हमको टाइटल दे दिया गया, टाइटल हमारे पास था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था किसी चीज़ का, और उसके बाद अचानक 2 दिन बाद सेंसर बोलता है कि नहीं ये फिल्म से हटाओ, आप जेएनयू नहीं बोल सकते, आप कहीं ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते. तो पहले नहीं पता था क्या, दबाव में वो थे या हम थे? नुकसान हमारा हुआ है, हमारे मेरे प्रोड्यूसर का हुआ है और मैं ऑनेस्टली मैं सेंसर के इस व्यवहार से बहुत दुखी हूँ, रियली बहुत दुखी हूँ.
आपने जिक्र किया कि दो महीने पहले ये मूवी रिलीज होने वाली थी, तो क्या कह सकते हैं कि चुनाव की वजह से रोक दिया गया? क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दिया? चुनाव तो इस देश में हर साल होते हैं, 6 महीने में होते हैं, अब कितनी फिल्मों पे रोक लगाओगे यार? अब जिन फिल्मों पे रोक लगनी चाहिए उन पे नहीं लगती है। जिन फिल्मों की वजह से देश के अंदर आपसी भाईचारा कम होता है उस पर कभी रोक नहीं लगती है। आप 2 दिन पहले पिक्चर देख के जब मेरे को सब चीजें ओके कर रहे हो, आपने मेरे को छोटी सी चीजें बोली, मैंने ओके करी, ठीक है। 2 दिन बाद चेंज करने का क्या मतलब कि जेएनयू हटाओ? मैं, मेरे प्रोड्यूसर का करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है। तो ठीक है, अभी तो बस सिर्फ यही है कि ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और देखना चाहिए, और जो लोग प्रोपेगेंडा बोलते हैं उन्हें भी देखनी चाहिए। अब वो देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगी कि प्रोपेगेंडा है या नहीं है। All the best for your movie. Thank you. हम सुन रहे थे विनय शर्मा जी को, जिन्होंने इस मूवी को, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है। क्या परेशानियां रही, क्या मैसेज देना चाहते, सभी चीजों को एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। फिल्म दो विंग पर आधारित है, एक राइट विंग और दूसरा एक लेफ्ट विंग। राइट विंग में मुख्य किरदार में सिद्धार्थ बोड़के नजर आएंगे, जिन्होंने इस फिल्म में सौरभ शर्मा का रोल प्ले किया है। इस फिल्म को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, देख लेते हैं। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी मूवी रिलीज हो चुकी है, इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके एक्टर सिद्धार्थ बोड़के जी मौजूद है। हरियाणा न्यूज का आपका स्वागत है। एक स्टूडेंट का आप किरदार निभाते हुए नजर आए, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है आपका उसमें, तो क्या चीजें हैं, किस तरीके का आपका रोल है उसमें, क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी? हमारी ये जो फिल्म है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, ये एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड फिल्म है, और यहाँ राइट और लेफ्ट ये दो आइडियोलॉजीज जो है इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर दिखाया है। पोस्टर या ट्रेलर देख के लगता है कि थोड़ी सीरियस फिल्म है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑफ कोर्स कुछ सीरियस मुद्दों पे बात की गई है, लेकिन कॉलेज है तो मस्ती है, दोस्ती है, प्यार है। सो एक ये पूरे कॉलेज लाइफ का रिप्रेजेंटेशन है। और मैं जो किरदार निभा रहा हूँ इसमें, ये सौरभ शर्मा इस किरदार का नाम है, और ये राइट विंग का स्टूडेंट है, और वो फिलोसफी को रिप्रेजेंट करने वाला इस फिल्म में वो किरदार है। यस, ट्रेलर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप एक भगवा रंग का आपने टांग रखा है, तो कितना सहमत आप इस चीज से कि कॉलेज के अंदर इस तरीके का रंग को लेकर के विवाद होना चाहिए? और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ब्रेक द नेशन, इस तरह की चीजें, कहाँ तक सहमत है कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए कॉलेज में? सी, मैं राजनीति होनी चाहिए, मैं सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर पहले बात करता हूँ। मुझे लगता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो हमारे देश में चलता है वो बहुत अहम चीज़ है, बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, बिकॉज वो एक फर्स्ट स्टेज होती है बिकॉज द नेशन पॉलिटिक्स में जाने के लिए। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नेता जो हमारी कंट्री को आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो बनते हैं। और मुझे लगता है कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम उस एज में बहुत नाइव होते हैं, और हम जब यूनिवर्सिटी में, लाइक मैं जब कॉलेज में था, आई वॉज अ स्पेक्टेटर, आई वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ इट। हम उस नाइव एज में हमें ना दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज समझ में आते हैं, और फिर इस जर्नी में एक्सपीरियंसेस के साथ साथ तुम्हारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। तो वो जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना मुझे लगता है ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा बन सकता है, शायद एक बन गया वो टूट जाएगा, वापस दूसरा हो जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंसेस के साथ ये पॉइंट ऑफ व्यूज बदलते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये एक्सप्लोरेशन की जर्नी है, तो इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है। इस मूवी की अगर बात की जाए, जब से इसकी ट्रेलर पोस्टर की बात की जाए आउट हुई, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, प्रोपोगंडा मूवी भी कही जाती है, काफ़ी कुछ चर्चाएं सुनने को मिल रही है, तो क्या उम्मीद है आपकी इससे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर निभाते हुए नजर आए। आपने कहा रंग को लेकर भी चीज़ें हो रही है, आइडियोलॉजीज को लेकर भी हो रही है, तो क्या चीज़ है, तो किस लेके नहीं इसमें चीज़ है, मतलब मैंने जैसे बोला कि मतलब आइडियोलॉजीज है इनके, तो मैं पर्सनली एज एन एक्टर व्हाट आई डिड इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रकार का किरदार मैंने कभी किया नहीं था। ऑलराइट, इट वाज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कॉलेज में मैंने सिर्फ ये पॉलिटिक्स बहुत दूर से देखी है, लेकिन टू प्ले अ रोल लाइक दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये एक्सप्लोरेशन एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। इसलिए ये स्क्रिप्ट जो है, ये रोल जब मेरे पास आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू इट, बिकॉज ये एक तो एक अनकम्फर्टेबल स्पेस में डालता है, और जहाँ एक अनकम्फर्टेबल स्पेस में आप काम करते हो तो वहाँ एक एज एन आर्टिस्ट तुम एक्सप्लोर करते हो या ग्रो करते हो। सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। दूसरी चैलेंजिंग बात थी, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मराठी हूँ, एक ये यूपी का किरदार था तो उसके लैंग्वेज बैरियर्स थे, वो चैलेंजिंग। तो हाँ, सो ये बहुत सारी चीज़ें टेम्पटिंग थी।
तो मैंने जो किया है स्टोरी को लेके, आई वॉज वेरी जेन्यून एंड आई वॉज वेरी कमिटेड टू द स्टोरी एंड द कैरेक्टर एंड द डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स विजन. सो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट का काम होता है कि अपनी जो स्टोरी है उससे बहुत कमिटेड रहना चाहिए. सो वो मैंने और सारे हमारे आर्टिस्ट ने किया है. सो लेट्स होप कि एज अ फिल्म ऑडियंस इसको वो पसंद आए. दर्शकों से क्या उम्मीद आपकी रहेगी? क्या प्यार की उम्मीद है, नफरत की उम्मीद है, किस तरह के क्या आपके एक्सपेक्टेशंस रहने वाले हैं? कुछ तो सोचा होगा लाइक मूवी बनाने समय, मूवी की जब पोस्टर्स बाहर हुए क्या? सी यार, हम कोई भी आर्टिस्ट अगर एक फिल्म बनाता है, एक ग्रुप फिल्म बनाता है, तो वो ऑडियंस हमें नफरत करे या उसे हेट करे, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू और ये इंटेंशन तो हो ही नहीं सकती, राइट? तो ऑडियंस को पसंद आए, एंटरटेन हो, एट द सेम टाइम कुछ उनको थॉट प्रोवोकिंग कुछ हो या कुछ भी हो, उनका एक एंटरटेनमेंट होने के लिए ही इसी इंटेंशन से, इसी प्योर इंटेंशन से आर्टिस्ट काम करता है. तो मैंने उसी इंटेंशन से ये सारे आर्टिस्ट ने ये काम किया. तो ऑडियंसेस से एक्सपेक्टेशंस इतनी है कि आप प्लीज़ फिल्म जाकर देखिए. फिल्मों में बहुत सारे नए फेसेस है और नए फेसेस है, लेकिन हम सब लोगों ने बहुत शिद्दत से काम किया है. तो मुझे लगता है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी एज एन आर्टिस्ट हमें बस वो दे, और अगर उनको काम पसंद आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पसंद आता है तो हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे. दैट्स माय जेन्युइन इंटेंशंस. कैसे सपोर्टर कास्ट जो आपके थे, कैसा रहा आपके साथ उनका जर्नी? इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे न्यू फेसेस हैं, एट द सेम टाइम बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी है. रवि किशन जी है, विजयराज जी है, पीयूष मिश्रा जी है, एंड मुझे लगता है कि प्रतिमा मैम जो है, हमारी प्रतिमा दत्ता द प्रोड्यूसर, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत करेजियस डिसीजन है कि ऐसी इस प्रकार की फिल्म प्रोड्यूस करना, और एट द सेम टाइम इतने सारे नए चेहरों को लेके ये फिल्म प्रेजेंट करना, जस्ट उनके एक्टिंग टैलेंट पे भरोसा रख के. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. एंड हमारे डायरेक्टर विनय शर्मा जी है, को राइटर दानिश राणा जी है. तो इन ये फिल्म मुझे लगता है कि किसी एक बंदे का वो हो ही नहीं सकती है. इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट. सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि ये जो सारे लाइक माइंडेड पीपल थे, कि हमने कोलैबोरेट करके कुछ बनाने की, कुछ जेन्युइनली बनाने की कोशिश की है. लेट्स होप कि वो ऑडियंस को पसंद आए. ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवीज. थैंक यू. तो हम सुन रहे थे सिद्धार्थ वोल को, जिन्होंने अमेजिंग एक्टिंग की है अपनी जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी की, जो रिलीज हो चुकी है, एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है. बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्वशी रोतेला इस फिल्म में राइट विंग को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, जो कि इस फिल्म में ऋचा शर्मा का रोल प्ले कर रही हैं. आइए जानते हैं कि किस तरह की आइडियोलॉजी फिल्म में रोल प्ले करके उर्वशी रोतेला का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है. जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी मूवी की जब से ट्रेलर रिलीज हुई है, मूवी रिलीज हो चुके हैं, काफी बस सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, काफी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, वर्सेस राइट वर्सेस लेफ्ट भी चल रही है. इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए उर्वशी रोतेला है, जिन्होंने मूवी में एक्ट्रेस का रोल निभाया है. सबसे पहले तो किस तरीके के क्या एक्सपेक्टेशंस रहे इस मूवी से, कि क्योंकि देखिए काफी चैलेंजिंग आपका रोल इसमें रहा है, स्टूडेंट का आप रोल निभाते हुए नजर आ रही है, तो क्या कुछ कैसा आपके कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले? जी, जो इस फिल्म में किरदार जो है जेएनयू के छात्रा का रोल है, जेएनयू स्टूडेंट का रोल, और बहुत ही अच्छा था. आई जस्ट फॉलोड माई स्क्रिप्ट, माई कैरेक्टर एंड द विजन फ्रॉम माई डायरेक्टर. तो वेरी हैप्पी. क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी ऑडियंस से रहेगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो कंट्रोवर्सीज काफ़ी देखने को मिल रही है, राइट वर्सेस लेफ्ट, आपने यहाँ पे पोस्टर पे भी देख सकते हैं, कैन वन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी ब्रेक द नेशन, इस तरह की चीज़ें हैं, तो किस तरीके की उम्मीद रहेगी? उम्मीद बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अभी जिन्होंने भी फिल्म देखी है सब बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो वेरी वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड लेट्स सी टुमारो. कहा जा रहा है कि प्रोपोगंडा मूवी है, इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिल रही है, रिजेम्बलेंस देखने को मिल रहा है जेएनयू मूवी, मतलब जेएनयू से, यूनिवर्सिटी से, तो कितनी सच्चाई इसमें है? जी, वो हमारे डायरेक्टर सो वो अभी आएंगे, पेशकश देंगे, वो बताएंगे इस बारे में कि कितना है क्या है. और भी कास्ट के नए चेहरे भी इस मूवी में देखने को मिले, काफ़ी वेटरन एक्टर्स भी रहे इस मूवी में, तो किस तरीके का रहा इसमें? अच्छा है. आई थिंक नए सितारों को भी एक नया मौका मिलना चाहिए अपनी प्रतिभा को दिखाने का. सो इन अ सेम मैनर, आई मीन इट्स गुड, इट्स अ गुड मिक्स कि इतने वेटरन एक्टर्स भी हैं, रवि किशन एंड पीयूष मिश्रा, और साथ ही एक नए एक्टर्स का भी मिक्स है, तो इट्स वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. तो हम सुन रहे थे उर्वशी रोतेला को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है. अभी आपने जाना
राइट विंग के किरदारों के बारे में, चलिए अब आपको बताते हैं लेफ्ट विंग के मुख्य किरदार निभाने वाले अतुल पांडे के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में कृष्णा कुमार का रोल प्ले किया है। इस फिल्म में क्या दर्शाता है उनका किरदार, आइए जानते हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्णा कुमार हैं। इस मूवी में काफी अहम रोल निभाया है उन्होंने। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो किस तरीके का क्या कैरेक्टर आपका रहा है? मैं, मेरा कैरेक्टर कृष्णा कुमार, जैसा कि आप लोगों ने देखा, और उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो शायद बहुत ही डिफरेंट थी, क्योंकि जिस जगह से वो आया है, जहाँ से उसका बैकग्राउंड है, वो बहुत छोटी जगह से आया था। और जब वो कॉलेज में आया, उसकी एंट्री हुई, तो उसने एक अलग माहौल देखा, तो उसने एक अपनी दुनिया क्रिएट करना चाहा। अब वो दुनिया कहाँ तक सही थी, कहाँ तक गलत थी, वो आगे लोग, ऑडियंस डिसाइड करेगी, जो लोग देखेंगे वो डिसाइड करेंगे। हाँ, लेकिन उसकी जो विचारधारा थी, तो शायद उसकी विचारधारा ये इसलिए हो सकती है कि वो शायद बैकवर्ड जगह से आया, या जहाँ से उसकी परवरिश हुई वो शुरू से वैसा दबाया गया हो, तो वो कॉलेज में आया, उस अपने टैलेंट पे आया, फिर वहाँ भी उसने चीज़ें फेस की, तो शायद उसकी आइडियोलॉजी धीरे 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 करते करते उस लेवल तक गई। कृष्णा कुमार की बात करें और अगर आपकी बात करें, कितनी रिजेम्बलेंस है, क्योंकि अगर आपके एक्सेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम है। कैरेक्टर की बात की जाती है तो कहाँ तक आप और वो सेम है? ये अच्छा क्वेश्चन है मैम। जब मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मैंने उनकी स्पीच देखना स्टार्ट किया। अब आप समझी गई हैं जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, तो उनकी स्पीच देखना स्टार्ट किया। और सबसे पहले एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना, क्योंकि आवाज़ तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 बना लेंगे, लेकिन एक दूसरे कैरेक्टर को अपने बॉडी में ले आना, ये शायद एक टफ टास्क होता है। तो वो धीरे 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 जब वो बॉडी में आते गए तो हूबहू धीरे करते 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 वो कैरेक्टर निकला। आपने चूंकि कहा कि किसी की आपने वीडियो देखी, बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश की, एक ना रिजेम्बलेंस भी देखने को लोग सोशल मीडिया पे बात करते हैं, तो कंपेयर किया जा रहा है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU से कंपेयर किया जा रहा है, कहां तक इस चीज को हम मान सकते हैं? मैम, इस बारे में मैं क्या ही बोलूँ, वो तो ऑडियंस के ऊपर है, वो कैसे कंपेयर करेंगे। फिलहाल तो हमारा टाइटल जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है, और कैरेक्टर की बात की जाए तो मतलब एक कैरेक्टर होता है, आपको मतलब पकड़ना होता है, करना होता है, तो आप किसी का मतलब उससे रिजेम्बलेंस ले सकते हैं, किसी को देख के आप कॉपी कर सकते हैं। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मूवी। तो हम सुन रहे थे कृष्णा कुमार, जिन्होंने अहम रोल निभाया है फिल्म JNU में। बात करते हैं एक सबसे मजेदार जोड़ी के बारे में, जो कि इस मेल जोड़ी की है। जी हाँ, इस जोड़ी ने JNU फिल्म में अपनी जान ही डाल दी है, और इस जोड़ी को फिल्म में खूब पसंद किया जा रहा है। आइए जानते हैं दर्शकों को लुभाने वाले टेटली और बाबा के बारे में, क्या है उनकी इस फिल्म को लेकर राय। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेटली मौजूद हैं, जो मूवी में इनका कैरेक्टर है। तो सबसे पहले तो आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का है? मेरा कैरेक्टर बहुत ही मजेदार है, और मैं सिर्फ फिल्म में सिर्फ मजे कर रहा हूँ। अच्छा, किस तरीके का मजा? क्योंकि देखिए, बहुत सीरियस मूवी भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। हम देख सकते हैं कि कैन वन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी ब्रेक द नेशन, काफी बड़ा अहम सवाल है। तो किस सीरियसनेस है, उसको लाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, काफी इम्पोर्टेंट कि आप ढाई घंटा सिर्फ सीरियस ना रहे, हंसे साथ साथ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कैसी आपकी ये जर्नी रही है पूरी? बहुत ही मजेदार है, क्योंकि सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है कि फिल्म का मेन पॉइंट, मेन मुद्दा जो है, हम कुछ बताना चाह रहे हैं, कहानी बताना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं कैरिड अवे नहीं हो सकता हूँ कि मैं कहीं भी कॉमेडी कर दूँ। तो वो फिगर आउट करना होता है कि कौन सी सिचुएशंस में हम मजे भी कर सकते हैं और हम मुद्दे से भी ना भटकें, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब से इस मूवी की टीजर आई है, ट्रेलर आया है, पोस्टर्स आए हैं, काफी बस क्रिएट किया गया है, सवाल उठाए गए हैं, प्रोपेगेंडा मूवी कहा जा रहा है, कई चीजें हुई हैं, तो किस तरीके की उम्मीद है आपके दर्शकों से? क्या प्यार मिलेगा, सवाल उठाए जाएंगे, या कटाक्ष भी, किस तरीके की उम्मीद है? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कोई भी इंसान जब कहानी बताता है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी और को कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसमें कुछ गलत सही नहीं होता है। मैं किसी और को भी गलत सही नहीं बोलता हूँ, अगर आप फिल्म बना रहे हो या मैं बना रहा हूँ, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको देखो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो सेकेंडरी है, वो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखो, एंड जिनके लिए वो रिलेटेबल है वो वैसा उसको देखेंगे। आपके साथ कई नए चेहरे भी इस बार देखने को मिले हैं, तो कैसा रहा आपका काम करना उनके साथ? बहुत ही मजेदार रहा, कुछ बहुत ही मंजे कलाकार हैं एंड कुछ नए हैं, तो नए के मैं उससे बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रतिमा दत्ता है उसमें, जर्नलिस्ट प्ले कर रही है, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। सिद्धार्थ बोर्डके, कुंज आनंद, शिव ज्योति, बहुत ही कमाल का काम किया, और अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करके और ज्यादा मजा ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे टेटली का, जो किरदार निभाया है, उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है।
जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी मूवी रिलीज हो चुकी है, काफी बस क्रिएट किया है इसने, सोशल मीडिया पे सवाल उठाए गए हैं, कई चीजें देखने को मिल रही है, राइट लेफ्ट जैसी चीजें, प्रोपेगेंडा वाली चीजें देखने को मिल रही है। इस बीच बहुत अहम किरदार निभाने वाले बाबा कुंज जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो किस तरीके का आपका क्या किरदार है जी? थैंक यू सो मच। सो मेरा जो किरदार है ना, वो कहीं ना कहीं मोस्टली सब लड़कों ने कॉलेज में जिया होता है, जहाँ पे एक लड़का बिल्कुल होपलेस रोमांटिक होता है, उसको प्यार हो जाता है और बस वो प्यार में इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि भैया जो मेरी पार्टनर है ना, उसको खुश करने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा। पापा से पैसे लेने हैं, पापा से पैसे लूँगा, क्लास बंक मारनी है वो भी करूँगा। उस हद तक आशिकी कर जाता है कि जब दिल टूटता है तो बस मरने पर आ जाता है, और फिर वहाँ से अपने आप को संभालता है और एक दिशा पकड़ता है जहाँ पे उसे लगता है कि उसको सौरभ शर्मा की मदद करनी चाहिए, जो कि एक कॉज के लिए लड़ रहा है, एंड प्लस एक उसका भी अपना एक हिडन एजेंडा है, जो कि आपको फिल्म देख के पता चलेगा कि वो सौरभ शर्मा को सपोर्ट क्यों करता है। तो उसके लिए आप फिल्म देखिए ज़रूर। चाणक्य का कहीं ना कहीं रोल कह सकते हैं जी, एक होपलेस रोमांटिक से एक मेंटोर तक की जर्नी बेसिकली। बाबा नाम जी तो खुद में बहुत सारी चीजें बताता है कि एक जी, एक जी, मुद्दा बैठता होगा वहां पे, मंडली बैठती होगी, तो क्या मस्ती भी आपके कैरेक्टर में, क्योंकि आपने कहा एक आशिक का रोल निभाता हुआ नजर आऊंगा, तो क्या कुछ और भी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेलर में तो दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाबा का नाम अपने आप में ही बहुत कुछ बता जाता है, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है कॉलेज का जिसके पास लोग आंसर सीख करने आते हैं, क्योंकि इसकी अपनी इतनी ट्रेजेडी रही है, तो जो बाकियों के छोटे मोटे मुद्दे ये ऐसे ही सॉल्व कर देता है, बाबा के नाम में पूरा वो आ जाता है कि इसको एक क्या कहते हैं, सेल्फिश कोई इंटेंट नहीं है इस आदमी का, कोई सेल्फिश इंटेंट नहीं है, अपने लिए ये कुछ भी नहीं करता। जब प्यार में था तो अपनी लेडी लव के लिए सब कुछ करता था, और जब उसने अपना रास्ता बदला तो फिर वो अब सौरभ शर्मा के लिए सब कुछ करता, तो वो उसको अपना कोई सेल्फिश इंटरेस्ट एज सच नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो आई थिंक ऑडियंस को इस कैरेक्टर के साथ बहुत कनेक्ट करेगी, बिकॉज उसका उसमें पक्षपात नहीं है कि भैया ये सही है, बात ये है कि ये मैं सोचता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप ये ले लो, नहीं तो इसे मना कर दो और चले जाओ बस। एक और सवाल उठते हैं कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी में इस तरह की राजनीति होनी, आइडियोलॉजी को लेके इस कदर होना कि झगड़े हो जाए, पढ़ाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो कहाँ तक ये चीज़ें सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है, मैं ये मानता हूँ, मैं बिल्कुल ही डिबेट में बिलीव करता हूँ कि ऑब्वियसली दो क्या छः आइडियोलॉजीज भी एक कैंपस के अंदर सस्टेन कर सकती हैं, एक देश के अंदर भी सस्टेन कर सकती हैं, बेशर्ते कि हम एक दूसरे से डिबेट करने को रेडी हों। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी आइडियोलॉजी सही है तो वो मेरे लिए सही है, आपकी आइडियोलॉजी आपके लिए सही है, लेकिन हम इस पे बहस कर सकते हैं कि आपकी सही क्यों है और क्यों नहीं है, मेरी सही क्यों है क्यों नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और मारा पीटी होती है, इसका मतलब हम इनटॉलरेंट है। इनटॉलरेंट हमें नहीं होना है, हमें जो हमारा संस्कृति चलती आई है वो डिबेट की है, वो डेमोक्रेसी की है, उसको मेंटेन करके आप अपनी आइडियोलॉजी रखिए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि काफी नए चेहरे देखने को मिले, काफी पुराने मंझे हुए जो एक्ट्रेस कह सकते हैं, वेटरन एक्ट्रेस से मिले, तो कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा आपका? सबसे पहले इसका क्रेडिट दो लोगों को जाता है, एक विनय सर जो हमारे डायरेक्टर हैं और प्रतिमा मैम जो कि हमारी प्रोड्यूसर हैं, ये इन दोनों के कॉल्स थे कि हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए और हमें यूथ भी चाहिए। ऑब्वियसली यूथ चाहिए आपको, ये कॉलेज की स्टोरी, आपको हंगरी लोग चाहिए जो कि वो लाइफ को वापस रिक्रिएट कर सके। अभी हम सब कॉलेज में नहीं है, बट हाँ हम सब नए हैं इस इंडस्ट्री में और हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और बहुत मेहनत करना चाहते हैं, तो ये एक जो ब्रेक है ये इसका क्रेडिट सिर्फ दो लोगों को ही जाता है, विनय सर और प्रतिमा मैम, और ये डिसीजन कि एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स भी होना, नए एक्टर्स भी होना और डिफरेंट इन्फ्लुएंसिंग फील्ड से भी, मतलब इन्फ्लुएंसर्स वो भी थोड़े से होना, तो एक ऐसा कॉल था, एक टफ कॉल है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नए लोग क्या लेकर आएंगे, इट्स ऑलवेज अ सरप्राइज, सो इट्स अ सरप्राइज फॉर एवरीवन एंड इट्स ऑल्सो अ बिग रिस्क, सो दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट फॉर दैट, बट इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद द एक्सपीरियंस ऑफ विजय राज सर एंड रवि किशन सर ऑब्वियसली, एंड जो नई कास्ट थी उनमें इतनी हंगर थी कि एक एक सीन में ना हम सबका कॉम्पिटिशन हो जाता था कि आज सबसे बेस्ट कौन करके आएगा, तो आई कैन सी द एक्साइटमेंट इन यू, ऑल द वेरी बेस्ट। हम सुन रहे थे जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी के बाबा को, जिन्होंने बहुत अहम कैरेक्टर निभाया है। अब आपको बताते हैं इस फिल्म के दो और किरदारों के बारे में जो कि इस फिल्म को
अलग मोड़ देने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्पीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए नायरा मौजूद हैं। काफी इंपॉर्टेंट आपका इसमें रोल है, काफी अच्छे तरीके से आप अपनी रोल निभाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अपने कैरेक्टर के बारे में दर्शकों को बताइए। Yeah, Naira, she's a lovely young girl that comes to India with her family from London, and she decides to join this university without knowing what's really happening, what is the situation, political situation and everything. And she finds herself in a pickle, and she picks a side, and then she changes her mind, as all young boys and girls do. And then she goes through her journey in life. आइडियोलॉजी की अगर बात की जाए तो इस मूवी में राइट वर्सेस लेफ्ट की आइडियोलॉजी देखने को मिल रही है। एक इंस्टीट्यूशन में, एक जगह जहां पे पढ़ाई जाती है, इस तरह की चीजें कहां तक सहमत हैं आप? आई बिलीव लाइक विद अ फ्रीडम ऑफ चॉइस मूवीज लाइक दिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शाइन अ लाइट एंड जनरेट अ कन्वर्सेशन, यू नो, मेक पीपल थिंक एंड देन मेक अप देयर ओन डिसीजंस, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट इट। कई नए चेहरे रहे इस मूवी में, कई पुराने चेहरे, वेटरन एक्टर्स रहे, तो कैसी रही आपकी जर्नी उनके साथ? आई एब्सोल्युटली एंजॉयड, यू नो, इट्स ऑलवेज अ जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर मी टू वर्क विद ब्रिलियंट एक्टर्स एंड न्यू और ओल्ड वंस और एस्टैब्लिश्ड वंस और जस्ट फ्रेशर्स, एंड आई कंसीडर माई सेल्फ अ न्यू वन, एंड आई वांट टू बी ऑलवेज द न्यू वन, आई वांट टू बी कंटिन्यूइंग टू बी अ लर्नर, यू नो, एंड या आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल। ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। तो हम सुन रहे थे जेनिफर को, जिन्होंने बहुत अहम रोल निभाया है जहांगीर नेशनल मूवी जो रिलीज हुई है। सर, सबसे पहले तो किस तरीके का आपका क्या रोल रहा है बेनीवाल जी? इस फिल्म में मैं एक प्रोफेसर का किरदार निभा रहा हूँ जो कि गे है और लेफ्टिस्ट विचारधारा का है। तो क्या कुछ उस मूवी में रही, क्या तरीके का, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जनता को इस मूवी के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा? देखिए, इंसान जो है ना, वो जैसे विचारों में जीता है वही उसका भविष्य का निर्माण करते हैं। माइंडसेट जो है उसका उन्हीं विचारों से तैयार होता है। अब वो अगर उसके अच्छे हैं तो उसका जीवन भी अच्छा होगा, वो समाज के लिए भी अच्छा करेगा, और अगर वहाँ पर करप्शन आ गया कुछ तो वो उसका खुद का जीवन भी बिगड़ेगा और वो देश और समाज के लिए भी बेकार रहेगा। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, संस्था जो है, वहाँ से ही ये नींव पड़ती है इसकी। तो ये एक बहुत एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ, देखने वालों को बहुत इसमें आनंद भी आएगा, थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, बहुत कमाल की है, और सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ ही रहा है कि किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है, JNU नाम है। आपने सब्जेक्ट का जिक्र किया, चूंकि देखिए आइडियोलॉजी बेस्ड ये मूवी है, राइट लेफ्ट का जिक्र हो रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह की चीजें इतनी हद तक होने की, वायलेंस तक चीजें पहुंच जाए, कहां तक सहमत है? क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, तो इस तरीके की राजनीति कहां तक सहमत है आप? नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का मेन मोटिव ही ये है कि हम सभ्य बने, और जहां हिंसा होती है वहां पे सभ्यता समाप्त हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, और ये इसके लिए जिम्मेदार जो है एजुकेशन सिस्टम है। तो हमारा सिस्टम में और परिवर्तन, कुछ हो रहे हैं परिवर्तन, और अच्छे परिवर्तन होने चाहिए, अभी एक्सपेक्टेड है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी इम्पोर्टेंट रोल, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी देते हुए नजर आए अपने मूवी में। एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। फिल्मों की बात हो और गानों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? JNU फिल्म के गानों ने रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोरी थी। गाना सन्नाटा तो रिलीज के बाद से ही सबकी जुबान पर है। इस गाने को आवाज दी है लक्ष्य शर्मा ने, तो आइए जानते हैं, आपको सुनाते हैं इस गाने के बोल उन्हीं की जुबानी। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी मूवी रिलीज हो चुकी है, काफी बस क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया पर, गानों का भी काफी अहम रोल है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्य शर्मा है, जिन्होंने दो गाने गाए हैं इस मूवी में। हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। कैसे आपकी जर्नी लगी, किस तरीके का क्या गाना है आप? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज का। तो मेरे दो गाने हैं मूवी के अंदर, एक तो सन्नाटा है जो सोनू निगम जी के साथ गाने का मौका मिला, और एक रोमांटिक सॉन्ग है बादासनम। तो बहुत अच्छा लगा काम करके, मजा आया। सन्नाटा मूवी का जो अपने गाना के जो जिक्र किया, किस तरीके का गाना है, क्या थीम है उस गाने का? सन्नाटा जो गाना है बेसिकली वो इलेक्शन विनिंग सॉन्ग है। जब मूवी में दिखाया है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इलेक्शन जीते 2014 में, तब वो गाना आता है मूवी के अंदर कि जीतने की हमें दो बधाई, जीतने की हमें दो बधाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, मुंह करो मीठा खाओ मिठाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई।
इस तरीके। और दूसरा जो आपने कहा रोमांटिक गाना, वो किस क्या रहा चीजें लिखना, जो आपने गाया होगा तो क्या सोच आपकी रही होगी? वो एक रोमांटिक सॉन्ग है, प्यार का गाना है, हालांकि वो एंड में है जी। तो एक ये था कि हाँ थोड़ा मूवी में थोड़ा पॉलिटिकल चल रहा है, तो एक रोमांटिक टच देने के लिए गाना वो था। साथ ना टूटे अब ये हाथ ना छूटे, चाहे जमाना हमसे रूठे तो रूठे, तेरे हुए हम तेरी कसम, तेरे रहेंगे ये वादा सनम, अब जो हुआ है ये होगा ना कम, तेरे रहेंगे वादा सनम। तो इस तरह धन्यवाद। तो गानों का काफी अहम रोल रहता है मूवी में, दो गाना गाया गया है इनके द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी मूवी काफी बस क्रिएट कर चुकी है, रिलीज हो चुकी है, कई चीजें हैं उस मूवी में, दर्शकों से कहा जा रहा है कि देखें, क्योंकि देखिए राइट एंड लेफ्ट की चीजें भी देखने को मिल रही है, वही गाने भी बहुत खूबसूरती से उस मूवी में डाले गए हैं। तो आपने जाना फिल्म जेएनयू के बारे में कि कैसी है ये फिल्म और किस विचारधारा पर आधारित है और कौन कौन है इस फिल्म के कैरेक्टर। फिल्म धमाकेदार है और अगर आप भी अब तक इस फिल्म जेएनयू को देखने के लिए नहीं गए हैं तो भैया जल्दी कीजिए और पहुंचिए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। नमस्कार।